हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिक्वाड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट वीडियो रे एग्जाम की एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट बार बार पूछे गए हैं। आप कौन सा सर्वनाम है, आप में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आप में कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। आप क्योंकि किसी के पर्टिकुलर बारे में आप कहते हो ना, तो आप क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेकंड नंबर का सवाल 17, पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखिए जहाँ पर ये सब सिटी वाले सा या ये सब आ जाएं तो वहाँ पर तत्सम होता है, तो पुष्प कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर का, चलिए देखते हैं फटाफट। ख्याल कौन सा शब्द है, ख्याल में कौन सा शब्द है, ख्याल, ख्याल के बारे में पूछ रहा है। तो ख्याल क्या है, देशज, विदेशज या तद्भव, कैसा है भाई, ख्याल विदेशा शब्द है, ख्याल विदेशा शब्द है। नेक्स्ट है तेंदुआ कौन सा शब्द है, तेंदुआ, तो देशज, विदेशा, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। कई बार पूछा गया है तेंदुआ कैसा भाई, देशज शब्द है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तेंदुआ विदेशा शब्द, देशज, सॉरी। गोल विशेषण है, गोल कैसा विशेषण है, सार्वजनिक, परिणामवाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो गोल कैसा है भाई, गुणवाचक विशेषण है, याद रखिए, गोल गुणवाचक विशेषण है। तो नेक्स्ट सवाल है कोई विशेषण है, कोई में कैसा है, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो कोई सार्वनामिक विशेषण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, तुम जा रहे हो तो कौन सा काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम जा रहे हो तो काम अभी चल रहा है, तो इसका मतलब कैसा हो गया, वर्तमान काल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए देखते हैं फटाफट। नाक कौन सा लिंग है, नाक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाक क्या है भाई, स्त्रीलिंग शब्द है। नाक कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा, नाक कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका 24 नंबर, समास कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 8, कहते हैं ना, जैसे समास कितने प्रकार के, जैसे कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, कितने हो गए, 6 प्रकार। तो समास के कितने प्रकार है भाई, समास के 6 प्रकार है, याद रखिएगा, कौन कौन से बता दिया आपको, ठीक है। तो समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। कभी कभी यही डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, समास के कितने प्रकार हैं, और नाम पूछ लेता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, चलिए 25 नंबर का सवाल है, नवयुवक कौन सा समास है, नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। देखो बहुव्रीहि होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु नहीं, द्विगु में क्योंकि संख्यावाचक होता है, द्वंद्व में 2 शब्द होते हैं, मेल होता है, बहुव्रीहि भगवान या सबसे जरूरत, तो क्या हो गया, नवयुवक में कर्मधारय समास हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन में बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्यय भाव, द्विगु। देखिए प्रतिदिन में, प्रतिदिन में कहते हैं दिन और दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में कैसा समास होगा, अव्यय भाव समास होगा, याद रखिएगा, अव्यय भाव समास प्रतिदिन में कौन सा है, अव्यय भाव, द्वंद्व नहीं होगा, बहुव्रीहि, द्विगु नहीं होगा, याद रखिएगा। तो प्रतिदिन, जहाँ दिन और दिन आ जाए, तो प्रतिदिन मतलब हो गया अव्यय भाव समास, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कि आप देखिए कोई भी पेपर पैटर्न उठा के देखिए, आपको सवाल मिलेंगे। नेक्स्ट है 26, 27 का, देशभक्ति कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। देशभक्ति के बारे में पूछ रहा है, देशभक्ति कैसा समास है, याद रखिए, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। तो द्विगु तो आप ऐसे कट गया, देखिए आप कुछ ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखिए, तो कैसा है, देशभक्ति, तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। 28 नंबर का सवाल है, चलिए फटाफट देखते हैं, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ मतलब कैसा, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्यय, तत्सम और क्या है, तत्पुरुष। तो अब देखिए नीलकंठ, नीलकंठ है, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान, भगवान के बारे में बात हो रही है, किसके, भगवान शंकर के बारे में, तो कौन हो गया, बहुव्रीहि समास, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 29, पाप और पुष्प, हमने कहा जहाँ पर 2 शब्द आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होगा, तो द्विगु भी नहीं होगा, व्यय भाव होगा, क्या हो गया, पाप और पुष्प, 2 शब्द है, क्या हो गया भाई, द्वंद्व समास हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पाप और पुष्प कहते हैं ना, पाप और पुष्प या पाप और पुण्य, लोग ऐसे पाप और पुण्य बोलते हैं, लेकिन कैसा हो गया, द्वंद्व समास हो गया। इस सेशन का लास्ट सवाल है, मज़ेदार एकदम श्रृंखला के साथ, 30 नंबर का सवाल, दोपहर कौन सा समास है, दोपहर में, तो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास, दोपहर में कौन सा समास है, याद रखिए फटाफट जवाब दीजिए, दोपहर, दोपहर शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, क्योंकि दोपहर, 2 शब्द से हमने कहा अंक सा जहाँ आए वहाँ पर द्विगु होता है, याद रखिएगा। चलिए वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, चैनल को देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।